पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एमसीडी के अस्थायी समिति चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को आम आदमी पार्टी के लिए तमाचा बताया है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की बातों पर अपनी मोहर लगाई है, जिससे ये साफ हुआ है कि मेयर शैली ओबराय का फैसला असंवैधानिक। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि शैली ओबराय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मेयर शैली ओबराय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने अस्थायी समिति के चुनाव को दोबारा कराने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिस फैसले के माध्यम से आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा जड़ा गया है। जो इन लोगों ने संविधान के खिलाफ काम किया था, संविधान का मजाक उड़ाया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था, वो सब सामने आ गया है। फरवरी मार्च में हुए चुनाव में जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था, तो मेयर शैली ओबराय ने गलत निर्णय देते हुए अपने आम आदमी पार्टी के एक सदस्य को जिताने की कोशिश की थी। एक जो सही मतपथ था उसको नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हाई कोर्ट में गए। मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि शैली ओबराय ने अपने पद का दुरुपयोग किया, उन्होंने सही मतपथ को नष्ट किया। जो भाजपा के चार पार्षद स्टैंडिंग कमेटी में चुने जाने थे, उनकी घोषणा नहीं की, और बिल्कुल साफ बेईमानी झलकती है, साफ संविधान का उल्लंघन झलकता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो आपने मतपद निरस्त किया था उसको सही किया जाए, आप सही निर्णय ले और उस मतपद को मानते हुए उसका फैसला दे। माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मेयर शैली ओबराय को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।